केपी ओली के नेतृत्व में देव प्रकार से गाड़ी बढ़ रहा है और देव प्रकार से जनता के हित में सोच रहा है। ये गठबंधन सरकार कोई नहीं सोचल आई चुनाव के बाद लिए नेकपा एमाले आगामी प्रधानमंत्री के घोषणा कर चुकल है बहुमत के सरकार हम सब केपी ओली के नेतृत्व में बनाए। लेकिन कांग्रेस के हिम्मत है माओवादी के हिम्मत है वो कला निर्णय करते कि हमारे आगामी प्रधानमंत्री देवपा बनत की माधव कुमार नेपाल बनत की पुष्प कुमार दाहाल उर्फ प्रचंड बनत की कला नहीं करती दम नहीं थे वो सब कहे थे अखुंडा प्रधानमंत्री के घोषणा करे तो गठबंधन में झगड़ा हो जाए झगड़ा के लोग करते प्रधानमंत्री के जब दावेदार देवपुर से प्रधानमंत्री के दावेदार माधव कुमार नेपालो से प्रधानमंत्री के दावेदार प्रचंडो से जे सरकार जे गठबंधन अपन प्रधानमंत्री ने निर्णय कर सके छे उ काल देश के ना के चल आई हमरा से घरों में एक गार्जियन हो छे लेकिन आई के काल के गार्जियन के छे गठबंधन के आलोचना कर रहा है गठबंधन के विरुद्ध में गीत गा रहा है गठबंधन के विरुद्ध में नारा जुलूस कर रहा है वो धनी छे कि गठबंधन जीतता है तो नेपाल नहीं रहते नेपाल के विदेशी के उपनिवेश बनाते करीब करीब तुम बनाइए चुकल से कोनो जमाना में जब नेपाल के मंत्रिमंडल के बैठक हुए तो विदेशी प्रतिनिधि जाकर बैठे कतो नहीं हो चले देखे खैर वो आई के दिन में नहीं थे लेकिन वो गठबंधन सरकार वो पहन के दिन तो आई थे आई के मंत्रिमंडल के निर्णय में जितने मंत्रिमंडल के निर्णय हुए थे एकर जानकारी सबसे पहले विदेशी प्रभु सबके विदेशी भगवान सबके अखुंडा के मंत्री सब सुन रहे थे आप बोलिए कितने राष्ट्रवादी सब सुनते गठबंधन देश के चिंता नहीं थे एक चिंता थे तो प्रधानमंत्री बना के एक चिंता थे तो धन संपत्ति कमाई के अर्थात भ्रष्टाचार करके एक जनता से मतलब नहीं थे आई एक देश में चुनावी माहौल ने कपाए मारे के पक्ष में दास चुकल थे सब क्रियाकलाप देख लो के जनता अरे के कारण सब यह प्रदेश से कि पहले 2074 के आम निर्वाचन में संघ और प्रदेश के निर्वाचन में एमाले 32 सीट में से जमा दूटा सीट जीता के जमा दूटा सीट लेकिन तीन वर्ष के उपलब्धि के चलते हम आके दावा करे थी नेकपा एमाले 12 से बेसी सीट जीते आ लिख कर राखो पूरा 8 जिला में 32 में से और एक तालमेल में आयल पार्टी वो करीब करीब 12 से कम नहीं जीते वो 12 जीते इस द्वारे आदरणीय जन समुदाय समय बहुत ही बहुत बढ़ते हम वो एक 5 दिन बाकी है अभी 5 दिन में आ सब एमाले के पक्ष में चुनावी वातावरण तैयार करके ले जनता के घर घर में जाओ और कहियो एमाले के वोट दियो तो जनता आपसे पूछा अब हम कहला एमाले के वोट दो तो हम कहा पड़ा एमाले के वोट अला दू कि अला देश में नेकपा एमाले के सरकार सूर्य छाप के सरकार ज्येष्ठ नारी के भत्ता 4,000 विधवा भत्ता अपांग भत्ता बाल बालिका के पोषण भत्ता के दल के नेकपा एमाले दल के इस बार नेकपा एमाले के वोट दिए वहां से कहियो कि किडनी बीमारी के एमाले कल के सूर्य छाप कल के इस बार एमाले के वोट दियो सूर्य छाप में वोट दियो हमरा सबके समाज में सुतकेरी महिला के मतलब धनी छे कि जकरा डिलीवरी हो के होइ छे बहुते डिलीवरी के कारण मर जाइ छलिए गांव घर में स्थानीय महिला सब अपने डॉक्टर जी का डिलीवरी करी छलिए जब देखल के बहुते बच्चा सब के वृद्धि दर मर रहल छै
नेकपा माने सरकार जेकरा बम बिना होए जेकरा सब डिलीवरी नै होए ए महिला दीदी बहन सबके हेलिंग कॉप्टर से एकरा गांव से उठा कर काठमांडू में उतार करब के जिम्मा मतलब व्यवस्था उ माने सरकार के लगे ए द्वारा एकरा वोट दिए और जब दुली मां को महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक मंत्री भेले तो दै सुटकेरी महिला के हेलीकॉप्टर से ल जाय छले आबादी में हेलीकॉप्टर नहीं दे छले तो एकरा 25,000 रुपया पॉकेट खर्च करे के निर्णय उहे नेकपा माने सरकार के लगे ए द्वारा नेकपा माने सरकार के वोट दियो। इतने नहीं नेकपा माने गांव गांव सड़क बनल के गांव गांव पुल बनल के ए द्वारा नेकपा माने के वोट दियो। नेकपा माने के सरकार आर्थिक वृद्धि दर 7.2% लगे ले देश के अच्छा स्थिति में लगे ले लेकिन अकुंता के गठबंधन सरकार 7% में 3% से नीचे झाड़ दल के ऐ द्वारा नेकपा माले के वोट दियो। नेकपा माले के सरकार नेपाल में कृषि कृषक सब के सुविधा के लिए मल कारखाना बनवे के निर्णय कल के लेकिन ई गठबंधन सरकार उ काम अगाड़ी नहीं बढ़ल के यदि मल कारखाना बनवे के है तो नेकपा माले सरकार चाहिए ऐ द्वारा नेकपा माले सरकार के वोट दियो। आय हमार से संतोष जी बहुत ही बात कर चुका है कि आय देश में नेकपा माले सब लगा गाड़ी पे ना हो इस द्वारे आय बहु जिला में हम सब चारू सीट जीतो और चारू सीट एक नंबर सीट हमारे तालमेल के उम्मीदवार दशपा के दीपक कार्की जीता उमा शंकर अलगरिया जीता तीन नंबर में हमारा हिमालय के उम्मीदवार जूली महतो जीता और चार नंबर में हम आज के गाड़ी में छी। हमारा सबके जीत में कोनो बाधा अड़चन नहीं कोनो बाधा अड़चन नहीं आई हिमालय के जीत के भाभी जी से डरा कर आई चार महीना से दो तीन महीना पहले से कुछ नेता सब बड़बड़ा रहा थे कि दुली मातो के कैंपस चौक से दक्षिण नहीं जाए देवे पीठ का भगवे और रघुवीर महासर के पिराडी चौक से उतर नहीं जाए देवे एक बार पीठ का भगवे हमारा कह हम का जे कह के वो बहुत निमन आदमी छ देखू में निमन छ अब मनो एकर बार बार का छ अई द्वारे कह के कि रघुवीर महासर के छतरी में नहीं जाए देवे हिम्मत है तो एक मिनट रोक के तो देखो जनता हमरा बनवे के आंख बगैया जनता आज के दिन में न्यायाधीश से चार घंटे तक वोट शुरू हो जाते आ तब काउंटिंग होते तब आप सब देखबे जनता रघुवीर महासर के भगवे से कि हम बाजा वाला के भगवे से तो चार घंटे फैसला होते अंत में आ सब निर्भीक बका चुनाव में जाओ कोनो भय त्रास नहीं हम सुने छी सरकार में रावला सत्ता दल सब गठबंधन कह रहा है हमरा पास प्रहरी है हमरा पास सशस्त्र प्रहरी है हमरा पास जनपद प्रहरी है हमरा पास सेना है हमरा पास सीडीओ है ए माले के पास कुछ ना ऐ द्वारा हम सब जबरदस्ती जीत हम कहला चाहे छे आ गठबंधन के पास सेना देश के रक्षक है एक राजनीति से मतलब नहीं है वो देश के रक्षा कर रहा है प्रहरी प्रशासन जो शांति सुरक्षा कर रहा है पर प्रहरी प्रशासन कोनो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है ऐ द्वारा प्रहरी प्रशासन गठबंधन सरकार के साथ देते ऐ में रत्ती भर विश्वास ना है आ साथ नहीं देते न सशस्त्र साथ देते न जनपद साथ देते अब उकले वो कहे हमारे पास है तो आगे पास है आगे पास सशस्त्र है जनपद है दिन के पाए मारे के पास जनता है वो जनता जे राजा ज्ञानेंद्र के गद्दी से निकाल कर आई रोड पर चलवा बना देने हमारे आजी का रोड पर चले
हमने आदि का होटल में जाकर खाई है, हमने जी का भाई सब जगह घूमे हैं। जनता के शक्ति की अगाड़ी कोनो व्यक्ति कोनो पार्टी बड़का नहीं हो छे। संसार के इतिहास देखो, जनता नहीं कर सकते के गाड़ी गठबंधन के शक्ति कुछ होना है। जनता बात बुझ चुकल छे। अंत में निर्भीक अहां सब चुनाव में जाओ, कुछो नहीं होते। यदि होते हम सब कोनो जय झगड़ा नहीं चाहबे, शांतिपूर्ण निर्वाचन चाहे थी हम सब। लेकिन जब कोई हार से पहनी वो बुझ गए हम हार जाए और जय झगड़ा करते, फिर भी यहाँ सब समझाब कि जय झगड़ा नहीं करूँ। लेकिन हम सुने थी जरूरी पड़ते ट्रेने के टाइम आ रही कलकत्ता के भाषण में बजे जवाब पत्थर से देते वहां सब लिख रखे। हम सब सरकार में बैठल आदमी, हम सब चाहे कि देश में शांति सुरक्षा चुनाव हो, प्रहरी प्रशासन शांति सुरक्षा दे। प्रहरी प्रशासन यदि दाया बाया करते तो जनता प्रहरी प्रशासन के नहीं छोड़ते। लेकिन हम विश्वास थी प्रहरी प्रशासन दो पार्टी के विवाद में, गठबंधन और एमाले के विवाद में नहीं पड़ते। प्रहरी प्रशासन आज तक नहीं पड़ रही है। प्रहरी प्रशासन एक काम रखते शांति सुरक्षा। एहि दुआरे अहाँ सब शांत भ कर नहीं डरा कर चुनाव में जाए। अंत में पुनः आयोग साथी सब के धन्यवाद दे, हम अपन बात पहले समाप्त करी थी। धन्यवाद धन्यवाद हम सब के प्रतिनिधिवार सदस्य के उम्मीदवार हम भी ड्राइवर मान से थे बोलो अपने से कुछ में रखते फेल के। अब हम सब कार्यक्रम के समापन के ओर जा रहे थे। अब हम कार्यक्रम के अध्यक्ष नेकपा एमाले वार्ड कमिटी के अध्यक्ष रामेश्वर महाते जी के कार्यक्रम के समापन कर दिए लगे महादिक दोस्त मंच के प्रदेश के सांसद के उम्मीदवार संतोष यादव जी के छाया अपना हाथ से जे बना के हस्ताक्षरण कर जा रहा है। कृपया हमारे सबके सभी नेता रुपीर महाशेर जी और संतोष यादव जी के उनके हाथ से हस्ताक्षरण कर दिए लगे हम हार्दिक अनुरोध करे। नगर पालिका वार्ड नंबर 21 द्वारा वार्ड नंबर 21 के 8 महोदय कार्यक्रम में उपस्थित
पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के उम्मीदवार अमरेश संतोष कुमार यादव जी, मंच पर बैठा पार्टी के उपाध्यक्ष, इस क्षेत्र के प्रदेश कांग्रेस के मंच पर बैठा संपूर्ण जिला कमेटी के साथी सब, हमारा सबके उम्मीदवार रामस्वर आशेठ जी, हेलो, हमारा सबके नेता महेंद्र शाह जी, नेत्री बबीता पूर्वे जी लगायत मंच पर बैठल संपूर्ण अतिथिगण आई अई सभा में उपस्थित हुए, अई कुठा गांव के संपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्तित्व सब, युवा पत्रकार साथी सब और गांव के संपूर्ण जन समुदाय, महिला दीदी बहन में नेकपा एमाले के तरफ से और हमरा तरफ से नमस्कार और क्रांतिकारी अभिवादन। आदरणीय जन समुदाय, 2079 साल मनसित साइड गते ये संघ और प्रदेश के निर्वाचन हो जा रहा है और आई सब जमा जमी 6 दिन बाकी है, आई तो बीत गए, अब जमा जमी 5 दिन बाकी है। एक घंटे तक 50% और दूध और 3 घंटे मौन अर्थात साइलेंट और 4 घंटे निर्वाचन। अब हम ये अनुरोध करब संपूर्ण पार्टी पंक्ति से कि 4 दिन आई लगा के 5 दिन जनता के बीच में जाकर नेकपा एमाले को उपलब्धि देश के लिए नेकपा एमाले की करके मदेश के लिए नेकपा एमाले की करके एक जानकारी घर घर में दर्ज कर के साथ साथ नेकपा एमाले देश के नागरिक के लिए की करके एकम महिला के लिए की करके जन्मल बाल बालिका के लिए की करके किडनी पेशेंट के लिए की करके कैंसर से बीमारी भेल के लिए की करके भौतिक पूर्वाधार के लिए की करके ई जानकारी सो आ जनता के करब। एहि देश में आज सब 15 वर्ष पहले कितने विकास तक मिल रही है, 15 महीना आए 40 वर्ष आए 79 वर्ष मतलब 30 वर्ष 35 वर्ष 35 वर्ष 35 वर्ष मैं 35 वर्ष में बहुत कितने सार्थक बने आई सार्थक बन लेते तो कम कम तो नहीं आए लेते बहुदल आवक दिन तक आई देश में 18 बेर कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने 18 बेर कम नहीं हुई थे तो करीब तक करीब 70% समय में कांग्रेस शासन करके देश जेल छोड़े वही लड़ाई कर रहा है। लेकिन 2074 के चुनाव में जब नेकपा एमाले बहुमत के सरकार बनल गए और वो सरकार 3.5 वर्ष में देश के काया पलट कल गए, यही कारण से इस देश में जय जिला में जाओ, मधेश जिला में जाओ, पहाड़ के जिला में जाओ, हिमाल के जिला में जाओ, जहां भी नेकपा एमाले और एक सूर्य छाप जनता के डुबुकी भेल छे, देश एमाले माय भेल छे, एनाहिते नहीं भेल छे, ये मधेश है जैल नेकपा एमाले के कार्यकर्ता के गाली दे, पीट है,
कह है कि मधेश विरोधी है उनने का पैमाले, विकास विरोधी है उनने का पैमाले। 2074 से पहले के बात हम करे थी, लेकिन उनने का पैमाले जे डर सब कुछ समय शहर में नहीं घूमे चले आए थे, जनता अपना गाली दे चले आई हुए, जनता पूरा मधेश में सिर पर रखने से नेकपा एमाले के आई नेकपा एमाले में कैला के प्रवेश कर रहा है मधेश में। हम सब 2074 साल में के चुनाव में पांचों स्थान में रही, एक नंबर में के दसपा, दो नंबर में लोसपा, तीन नंबर में कांग्रेस, चार नंबर में माओवादी, आई माले पांच नंबर में। आई चार साल के भीतर जे स्थानीय निर्वाचन में भेल आई में कांग्रेस एक नंबर, दो नंबर एमाले, तीन नंबर दसपा और लोसपा के बातें छोड़ दियो, चार नंबर में माओवादी। माधव नेपाल सबके गुप्त कत्ता हरा गेल, कत्ता हरा गेल हमारा कह के। आई सारे तीन वर्ष में जब मधेश के लेल नेकपा एमाले कलके आकर सरकार कलके, आई तक 50 वर्ष में कोई सरकार नहीं कर सकल के से काम हो सारे तीन वर्ष में। इसके बाद नेकपा एमाले नेपाल एकीकरण तैयार से पहले तैयार से 2074 साल फाल्गुन 3 गते तक 7000 सड़क मात्र बने रहे, वो भी छोटका छोटका पीछा छोटका छोटका सड़क चार लेन के फंडू में मात्र कतो नहीं चले। लेकिन नेकपा एमाले सारे तीन वर्ष में 5498 अर्थात 5500 किलोमीटर 8 लेन 6 लेन 4 लेन 2 लेन चल के आप देख लियो। दूसरे वर्ष में 7500 जम्मा 7000 और मोदी की सरकार 3.5 वर्ष में 5500 सड़क पीच बन चुकल से बनवा के 15000 किलोमीटर हमारे की योजना चले। अखुन तो जीते थे जे हम बुकलेट लिख रहे थे जे निकालने थे ते में देखला सा होई धनुषा जिला मात्र एहन जिला थे ते में ओली के सरकार एमाले के सरकार जब हम मंत्री रहिए तो 2 वर्ष में 183 केंद्रीय योजना जिला में ले ली 183 संसदीय कोष से 137 हम मर महीने थी संसदीय कोष से पैसा नहीं पुगले तो निजी पैसा देकर सो 137 लेकिन किताब में जम्मा 85 का नाम मात्र आए वो 183 छोड़ कर अरे क्षेत्र में मात्र 85 का बड़का बड़का जनता के लिए योजना कतो कब्रिस्तान मुस्लिम के लिए कब्रिस्तान, पढ़ाई के लिए मदरसा, हिंदू के लिए श्मशान घाट स्वर्गदारी, हिंदू के लिए मठ मंदिर, मुसलमान के लिए मस्जिद, बौद्धिस्ट के लिए गुम्बा, सब धर्म भाग धर्म वाली सब हम सब समेटने चाहिए, सब जाति के हम सब समेटने चाहिए, हम सब कोनो जाति के साथ पक्षपात नहीं करने चाहिए, अर्थात ने के पैमाने नहीं करने चाहिए। हाय कांग्रेस हमारा कहता है कि हम 10 राष्ट्रीय योजना एक जिला में लेने थी, कहते हैं तो उनको जो हमार प्रदेश सभा के उम्मीदवार कहती है चुनौती देती है तो वो हमारे लिख कर दिखा दे कि योजना हमारे सरकार लेने है वो कांग्रेस बनेने है। आई वही कारण सर जब मधेशी जनता विकास नहीं देखने चली है आई नेकपा एमाले साबित कर दिल के कि मधेश के विकास जब कोई करता है तो नेकपा एमाले बाहर कोई पार्टी नहीं कर सके। आई कहते तो प्रत्येक चुनाव में मधेशी दल सब तब चुनाव होते तो मधेश के इशू उठेते मधेश के मुद्दा उठेते और जब चाहे कांग्रेस हो चाहे मधेशवादी सब हो लेकिन जब सरकार में जीत कर देते तो कहियो विकास के बात नहीं करते कहियो मधेशी का अधिकार के बात नहीं करते।
पार्टी के एल्डर नेकपा एमाले के गाली दै छले आ उ पार्टी अपना के सचियल के या आत्म समीक्षा कल के उ पार्टी दसपा पहिने के फोरम कल के या कि वास्तव में हम सब पहिने भ्रम में रही हम सब पार्टी के देख लेली उनका सबका आत्म समीक्षा में सब पार्टी के देख लेली यदि नेपाल में मधेसी के अधिकार दिलाते तो नेकपा थे नेकपा बाहे तो सब पार्टी नहीं दिला सके थे यदि मधेस में विकास करते तो नेकपा पार्टी थे तो सब पार्टी बुद्ध नहीं होते अभी तो अरे आप हम एमाले के साथ मिलकर चुनाव में जाना चाहिए उन निर्णय दसपा की उदसपा एमाले के नाम में सुनना चाहिए अकुल खा रहा सरकार चला रहा
देश के उहे पैसा खर्च करत 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 आई देश डॉलर के रूप में अब कान पलट वाला है। इस सरकार भ्रष्टाचार बाहर को विकास काम निकल के एक काम निकल के डेढ़ वर्ष बना कही दो खाना काम के लिए भाई बंधु लगे युवा साथी लगे हम सब गोटे के हार्दिक प्रणाम कर और क्रांतिकारी लाल अभिवादन को अपने सबके अभिनंदन कर धार धुला के बाद मन अर्पण कर रहा हूँ और अखन के दे निर्वाचन होने जा रहा है। इस निर्वाचन में जे अखन प्रदेश सांसद और प्रतिनिधि सांसद जरा संघीय सांसद कहे थे से उम्मीदवार सब है उनका निर्वाचन हो जा रहा है। वो उम्मीदवार में जितला के बाद जो सांसद के काम कर्तव्य और अधिकार जो होते हैं से हम अहा देश के लिए प्रदेश के लिए कानून के निर्माण करे थे कानून में रहल त्रुटि के संशोधन से दोसरों के जिम्मेवारी होते हैं जनता के सुख दुख में रहल समस्या के समाधान करे विकास निर्माण के जिम्मेवारी वही सांसद के होते हैं। अई सांसद के पद में रही का माननीय रघुवीर महासेठ जी से अपन दोनों जिम्मेवारी पूरा करने है से अपने सबके बीच में हम राखे चाहे जेना अई देश में भौतिक पूर्वाधार और विकास मंत्री रही का प्रत्येक विकास के पूर्ण पुलेसा भौतिक निर्माण जब सड़क के निर्माण आगे एटा प्रदेश के खास कर प्रदेश में ये ते कपड़े के अजरी आमूल परिवर्तन के रूप में है के एक विकास निर्माण के लहर लगे कई तहत अपना हम सबके बुझाई थे जे हरेक पुल पुलेसा देर से पुल सिर्फ झुलसा में अपने के निर्माण भ रहा है और बहुत अहम के भाग गए जनई के कागज पत्र बीच सड़क से बहुत अहम के निर्माण भ गए हम आगे अही सब जाने छे जे उन भावर पोखरी से जो कहे छे जे खंडर पोखरी जाए वाला सड़क आके यही कोठा में पड़े छे से माननीय रघुवीर महासेठ जी के पहल में निर्माण भेल छे। अहि गांव के विभिन्न सड़क के ढलान सड़क बोर्ड के से निर्माण भेल छे दू तो धर्मशाला अहि एक कोठा में निर्माण भेल छे एगो महासेठ धर्मशाला में एम्बुलेंस के व्यवस्था महासेठ जी के द्वारा भेल है। इन गांव के निर्माण आगे अधूरा छे लेकिन कब भ रहल छे हम कह चाहब उतने नहीं हरेक जगह के यदि हिंदू के बात है मंदिर मस्जिद के बात हो मुसलमान के मस्जिद के बात हो शिक्षा के बात हो स्वास्थ्य के बात हो हरेक जगह हमारा माननीय रघुवीर महासेठ जी अपने के काम करे है। कोई काम के विवरण के रूप में अपन घोषणा पत्र जारी कर कर जनता के बीच में हम ई काम करने छी सबके सबके बीच में प्रस्तुत करे है। अपने सबके बीच में किताब आ चुकल है पढ़ल लिखल लोग से हम कह जाए छी जे अध्ययन करिए आ देखियो कते विकास निर्माण कैले है लेकिन हिनके विरोध में जे प्रतिपक्षी उम्मीदवार जे खड़ा भेल है हम अहाँ एते जनता के पूछल रहे छी जे पुरखा में एक को ईटा यदि कार्य होता अहाँ सब कहू जे कांग्रेस के उम्मीदवार है अखन तक अई पुरखा में एक को ईटा अखन तक निकालने है कि वो मंत्री नहीं बनले वो दू बेर सांसद नहीं बनले लेकिन की काम करे है चाहिए कि कांग्रेस के कोनो नेता ही चौक पर बैठ के सुनैया तो काम चुनौती दे बताई छे और उनका सब पूछे चाहे छे यहाँ के जनता के बीच में हूँ लाओ किताब प्रस्तुत करूँ लेकिन अहाँ कथु नहीं कहने छी ते दो यहाँ किताब नहीं लाग से हम जाने छी अहाँ करब कथी से हम जाने छी कि अहाँ के चरित्र हम सब बेसी दिन अहाँ जरे रही के हम देख चुकल छी ओ करत कथी साइड फाइट के नारा दे साहू जी जादव करब हिंदू मुस्लिम करब ओइ बाहे के कारण मुद्दे कथु न है कहत रघुवीर महासेठ के से बोलो फिरारी तो से उतर भूमिहीन लेबे लखेट के भगा देबे लेकिन अहाँ सबके कहत आई थी आई लखेटे वाला नेता के देख भाई माले के कार्यकर्ता पिंडम्बा में जाकर लखेट दिल के यह भूला भूला हम लोग उड़ा देते हैं लेकिन ये वो जो इस शब्द बाजे के चले गया नहीं होते झूठ बाज कर बुरा के धमका कर पुलिस प्रशासन
के प्रयोग करता अहा के अपने के नेता बनो चाहे छी अहा के मुने चलो हम कहता आई आई देश में बहुत बड़ा कोरोना के महामारी आ गई कई के बाद देख पाए माले के सरकार कई देश में रहे आ सब के बीच में बड़ा कहता आई थी आई देश में इतने प्रकार सुंदर रहा आधुनिक सुंदर रहा के निर्माण देख पाए माले कल गया रानी पोखरी के व्यवस्थापन देख पाए माले के सरकार कल गया दरबार हाई स्कूल के पर्व के निर्माण के काम देख पाए माले के सरकार कल गया तनाई के धार्मिक प्रोत्साहन तो के सत्य के देश के निर्माण कैसी भूकंप से यहाँ के बर्बाद भेद छलिया तेरा सब के निर्माण के भी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार कल गया लेकिन इन्हें कल के दल समुदाय के यहाँ से काम के नेपाल में पेट्रोलियम धुआनी माने तेल जो धुआनी हुई थे डीजल मट्टी तेल पेट्रोल से जाने चाहिए टंग टैंकर गाड़ी से भेज छलिया लेकिन के पी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार के ऐतिहासिक काम आज के इंडिया के रक्सौल बरौनी सा आज के अमलेशगंज से निकला अंडरग्राउंड पाइपलाइन के उद्घाटन के पी शर्मा ओली के सरकार कल गया और वो आज के व्यवस्थापन कल गया ते द्वारे काम निश्चित रूप से कार्य के क्षमता के पी शर्मा ओली के नेतृत्व के है हम ते द्वारे अपने से कहा अपने से के बीच में हम जो चुनौती करो चाहे छे माननीय रविंद्र महासेठ देश के उप प्रधानमंत्री बन चुके धरते पूर्वाधार मंत्री बन चुके जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री बन चुके परराष्ट्र मंत्री बन चुके ते देश के का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय से हो अब इनका कोना क्या है अब फिर उप प्रधानमंत्री और आगे गृह मंत्रालय रघुवीर महासेठ जी बन गए भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बने के क्षमता रघुवीर महासेठ रखे थे लेकिन दोसर पार्टी के उम्मीदवार जो है दू बेर सांसद बनले और छह महीना के लिए खाने पानी मंत्री बनले लेकिन खाने पानी मंत्री बनकर अपना पेनगंगा के तीन नंबर वार्ड के जनता के खाने पानी व्यवस्थापन नहीं कर सकल के जन समुदाय वही एक वार्ड में अखनो वही वार्ड में कमहरिया कहनपोल में जो ये दलित समुदाय के बस्ती है दलित से तो इतने नफरत है जो दलित के बिजली के क्या कहे थे आई देख लो बिजली पोल तार ने यहाँ के व्यवस्था पर नहीं कर सकती है वो नेता अपने हैं कठू नहीं कर सके हमारे नेता दोसर के मंत्री बनाने के क्षमता रखे थे वो तो जित गए दोसर ला गिर गिरा कर मंत्री कनका तब हमारे तय के लिए गिर गिराई में लगते ते द्वारे जे देश के नेतृत्व करे के क्षमता ओई क्षेत्र के नेता हमरा सब याद रहिए रघुवीर महासेठ है हम सब विनम्रता पूर्वक आग्रह करे छी वो नेता जितने करते से हमरा विश्वास है अपन क्षेत्र के सर्वे के आधार पर हम सब दस हजार नौ सौ अगारी से जीत जा रहा जीते हमरा सब के सर्वे है ते द्वारे पहिए के कांग्रेस के सेहो नेता सब के दू बात अपने सब के बीच में आकर आई छी ओ कांग्रेस के साथी साहब संतोष यादव के है अहा के कंधा में कंधा मिला कर अहा जोड़े खून के पसीना बगावा वाला एवे कार्यकर्ता संतोष यादव 35 वर्ष अपन जीवन के सारा जीवन आधा से बेसी जीवन अहा जोड़े लगाने के लिए अहा के सस्ता में कम काम के लिए अहा के जोड़े दुख भोग ली लेकिन अई संतोष यादव के अमूल्य टका जे संतोष यादव अपन कार्यकर्ता के अहा विश्वासघात करता एते बड़का मान के अपमान के लिया कि अहा के सोच रहे थे अपना मान सम्मान दे वो दिवा सपना है अहा सब केहन धोखेबाज सा केहन झूठा सा सब निरान में झूठ बाजे वाला सब अहा अमन भजाओ अहा जाने छे हमरा सब के पैन के साथ बेईमानी कहने है कहे छे गरीब के पैन से बेईमानी करे वाला के भगवान माफी नहीं करे छे जनता भगवान होइ छे अहा सब के पैन मांगे छी अपने सब के पैन देते पर पूर्ण विश्वास रखे छी लेकिन पैन से बेईमानी करे वाला यही कांग्रेस के नेता जे क्षेत्र में उम्मीदवार है जेकरा साथ मुंह पर कर्जा फेंक दू कई गाँव से भगा दू आ मौत मन शिकायत दे सके ये तो मत रे दू से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहे छी हम बेसी समय नहीं ले हमरा सबके बहुत जगह अपने सबके अंत में इतने पसंद
संतोष यादव ने अपने कार्यकर्ता आई एफ एस के बीच में ठान है तारी दिया जिम्मेवारी 100% वहन कर से विश्वास में 24 घंटा 12 बजे राइट के लड़े हो संतोष यादव साथी भाई के परम समस्या में खड़ा रहा जब से के बीच में वचन कर ले थी प्रतिबद्धता जाहिर करे थी जितने में अखन से कलाकार भाई संग प्रस्तुति कल गया इतने निमन सुंदर प्रस्तुति कलाकार भाई सब के हम धन्यवाद से अपना मुंह से देवे चाहे थे वास्तव में इतने नीक प्रस्तुति कलाकार भाई सब के दल के उन्होंने बहुत बात कह दिया अपने सब जन लिया जय देश में अई प्रदेश के बात आप करना चाहे थी हम अई प्रदेश में मधेशवादी के सरकार और यहाँ के कांग्रेस के मिली जुली सरकार ही अई प्रदेश में अई एक जनता मधेश के नाम पर अगर सरकार में जिम्मेवारी दिल के वोट दिल के जितल के छत्ता छाप के लेकिन हम कहा चाहे थी कोई मधेश के सरकार से हम पूछा चाहे थे जहाँ ये तो कोई योजना बताओ प्रोजेक्ट कि ये वो जिला से दोसर कि तो आठे तो जिला के सरकार भाई लेकिन ये वो जिला से दोसर जिला बनाओ वाला कोनो बड़का पीतो निर्माण करे हुए ये के जनता किसान से भरल ये प्रदेश है किसान क्या है राजनीति के छलिया तो जनता बड़ा ईमान में छलिए थे रोमी पड़ गए भैया के जनता के पानी व्यवस्थापन आगे आधुनिकीकरण नहीं करा रहे बिजली से हर एक किसान के खेत में पानी पहुंच सकता है कहीं के यदि कहीं को एक भीषण नहीं गया सरकार के भैया के नेतृत्व में कहा के हर एक किसान के खेत में रहते आगे बिजली से मान लिया अपन सारा ये बजट कटौती का कितने नहीं मन औषधि भीषण खाने पानी किसान के यहाँ के सब्सिडी के कार्यक्रम एक दूर से अलग चाहिए तरह के भीषण नहीं है हम तई द्वारे अपने सब लोकरा न्यूनीकरण के लिए हमरे सबके विज्ञ सबके राख कर एक भीषण के साथ एक केना न्यूनीकरण कर जा सकैया तई पर तहन छल पर कहकर हम कही छी अई के तो न्यूनीकरण करही पड़ते समापन करही पड़ते नहीं तो हमारे बच्चा के भविष्य यदि बिगड़ जाते खेल कूद में प्रोत्साहन केना होते एक पढ़ाई पर व्यवस्थापन केना होते आधुनिक पार्क से बनाकर निमन वातावरण के निर्माण केना होते से सब के व्यवस्थापन करना चाही से हमारा बुझाइए जनई दे अई प्रदेश के शिक्षा हो स्वास्थ्य हो कहीं पर गंभीरता पूर्वक यदि अपने सब हम आशीर्वाद दे कर सदन में पहुंचाबे छी कि संघर्ष यादव ई क्षमता रखे छै काल के दिन में सरकार में प्रतिनिधित्व करते कि सरकार हमरा से नहीं कटाए वाले के सरकार यदि सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं होती तो प्रतिपक्ष उठ कर अखन जे सरकार में रहते जरा घाटी पकड़ कर जे बाकी रही सब योजना के पूरा कराबे के लिए सदन के हिलाबे के क्षमता ई संतोष यादव रखे छै तै दुआरे अपने सबके आशीर्वाद अइ बेर हम प्राप्त होते से पूर्ण विश्वास रखे अइ बेर के सूर्य छा वे माननीय रघुवीर महासेठ के प्रतिनिधि सभा में उम्मीदवार छथिन हम प्रदेश सभा में उम्मीदवार छी हमरो छाप सूर्य छाप है चाहे तो पहले समझाए लड़का फलाकार भाई से चारू केकर आगा केकर पछा कौन प्रदेश कौन समानुपाती कौन प्रतिनिधि कौन प्रदेश देखा के छोड़ दिया सिर्फ सूर्य छाप तब तक जाता है तब तक जाता हमार छाप पड़े से प्रदन प्रता सब को देखकर उसके दिन हम आग्रह करना चाहिए थी अंत में कोनो कोनो उम्मीदवार गलत भाव में प्रस्तुत करा लागल है झगड़ा लगवा के प्रस्तुति करा लागल है जे हमरा कोई कहे छे हमरा महाशेठ जी के समर्थन है या हमरा वोट न दिया सब गोटे सचेत रहू चुनाव में प्रभुबाजी हो चुनाव में हर डंडा अपनाई जाए छे हमरा माननीय रघुवीर महाशेठ प्रदेश सभा में उम्मीदवार बनने हमर नेता प्रतिनिधि सभा में उम्मीदवार कोनो क्षेत्र में केकरो साथे कोनो समझौता नहीं छै ज्ञान भ्रम में कोई नहीं पड़ो शांति में भी अनुरोध करे फिर सस्तुरी चार में मतदान करे के लिए विनम्रता पूर्वक आग्रह करे अपन मंत्री हुए अभिनंदन करे छे धन्यवाद Yeah, I'm gonna do that.
होता वहीं भी कम समय में वहीं भी खोजो अगर सके रघुवीर महासेठ जी वास्तव में देखुआ दुख पकड़ तो आ जाओ मान मुझे राज्य में करके वास्तव में एक तो मुझे राज्य हो जाओ उनका अगर संपर्क करता हूँ अपने सबके संपर्क में एकदम तैयारी रंगीन हर हो है के हमने सबके लेकर पाए हमारे जिला कमिटी के सदस्य अजय यादव जी के जो आगमन है उनका मन को आगे आसन बंद कर दिया गया कि हम हाथी का अनुरोध कर लीजिए कलाकार साथी सब एगो बात मालूम है बाबा की बात गांव में अपना टोला में आए चले ओ बती पाते है कथी का नेता सब आए चले है हां नगदी कल के घवा हमरा देबे त हमरे में फोड़ दे पड़त कौन नेता चले नथिया छाप नथिया छाप हां ता नथिया छाप ने फोड़ देबे तू ढौवा त एतने जई है अच्छा आई ढौवा देबे त हम नथिया छाप ने फोड़ देबे आ काय देना किंगा दारू किन दल की हम फिर वो आके इनका कली सुना दे जी देखो हम लोग सही मजा ना क्या हम से एक बार दारू में भी कागल है ये पैसा क्या नहीं देने दे मैं तू बोल सुना अब हाँ मैं दे पाई ना क्या तो क्या थाप में है तो क्या क्या हम फिर ये थाप में तोड़ दे मैं कच्ची कच्ची के हल्ला थोड़ा उसको क्या भैया भैया नहीं सुधार में को नहीं तू मार दा मोगी हाँ दूसरे के वाला बात नहीं थे इतना कुन नेता बनना चला आई एक बोतल दारू दो दिल का तो कहने वह न थिया साथ में भोट देते जा रे साला भगलोल मुंह है ना साला लोरा सी लौटा में पीस दिन थू साला यदमी का बच्चा था कि दारू माछ मछली का बच्चा रे साला भगलोल साला वो भा टाइम में जलमल बुझाइया एकरा में दोषी नहीं छ एकरा बाव में दोषी बुझाइया अगर बाव दारू पी के जलमल बुझाइया जा रे साला भगलोल रे आई माछ मछली कोनो नेता दे तो नथिया चाहे फतिया चाहे छतिया छा आय आय जे भर छिपा खा ले भी माछ मछली पेट उल्टा ले भी आ भोरे जाके एक कठौता जे हक दे भी तो ऊ तब काल रह तो कथि पेट पेट खा ले तो भर दो कौन पर मरला अपन नाना हां कि अपना भविष्य धिया तोर तक गेलो उमेर अपना धिया पुता के लागी भविष्य के लागी सोचा पड़लै हां क्या समझाबे रे निर्लता मुंता के जा रे भगलोल एकरा भगलोल है था भगलोल एकरा दारू दारू देखियो ने हां एकरा दारू कहि जे ने कहि जे राम जन्म में दूध भयो कृष्ण जन्म में घीउ राम जन्म में दूध भयो कृष्ण जन्म में घीउ आ कलयुग जन्म में दारू भयो तो सोच समझ के पीऊ न त सारो उम्र मरबे यो फोन छोड़ ए सुन बीरी मांगे तो ही चूरा गदा मांगे घीऊ बीरी मांगे तो ही चूरा गदा मांगे घीऊ आ दारू मांगे चप्पल जूता हिम्मत है तब पीऊ ओ हिम्मत तब दिमाग दिमाग से काम कर बुआ रे एहन व्यक्ति के छुन आजकल के जनता सब बड़ होशियार कह लगे रे पहले देखी थी कई मधेशी नेता सब के देख लाई हम जी मधेशी हमरा त
बुझ किछो न करल गई अच्छा व्यक्ति अच्छा इंसान उम्मीदवार जोन कुछ करो वाला हमरा धिया पुता के किछ भविष्य के लागि शिक्षा आ बिरामी होवे तो स्वास्थ्य ई चला वाला रोड एता उता सब कुछ के देखे पड़े है बुझले नै सब दिन के लागि आई धनसा जिला में आई तक नेपाल के कोनो तराई मदेश कोनो ठाव में जो तो सबसे बेसी पिचिंग धनसा जिला में भेल है। हां वो कराए वाला कौन हमर एमएलए के पार्टी रघुपुर महासेठ एमर संतोष यादव जी तई बात कर पहले करे न कर न हां तो तोरे से तारा फटलो चार साल लगा के तोरे से मोहन से एक एक बार मारू ना उने के कथि कथि कहत आ तोरो तो बुझ जागे भगलोल कहा के तोरा तो समझावा के चाहिए सारी भगलोल के भगलोले रह जते हां माओवादी के मूल्य गेट काट के सर काट के लेबे तो ओकरे कहले रहले लेकिन अखुनती कहले ले गठबंधन तो कहै छै 100 रुपया के दारू आ 30 रुपया के अंडा आ वो सब जीते तो करते हमर भाग बंडा मतलब हमरा चाहिए हमरा तो विकास का भारो तो बात करते हां तो ए जी रही इक्वल टू 1 अलवा से 3 घंटा ये कुर्सी के लागी गठबंधन गठबंधन में हां सब जिता देबे तो कथि कहतै कथि हमरा चाहिए तो हमरा भी घर में भिन भिना होय छै त केना केना है सर्वनाश भाई जी घर परिवार आ तो ओकरा सब के किस होते नहीं होते एक का पार्टी मात्र थे ए माले सूर्य छाप आहा सब के गांव ठाव के छै रघुवीर महासेठ संतोष यादव जी आ सब जिता के बैठो ओकरा कुछ समस्या पड़ते तो घर में जाके तान के विकास करा सकी जी ओ भैया हम वही काम में भर देबा हम दे दी ना हां जार साला तब तोरा कहलियो वो फटाई में जलमल है पेन के पी लिया आप होशियार भेले नहीं ओ प्रभु जी लिया हां तो आप बुझ गेले हां सूर्य छाप जिंदाबाद सूर्य छाप जिंदाबाद वोट के मां सूर्य छाप का हां ये लोग मारना प्ले कर दियो तो कोनो काज होय जन्मदाता बनबक होय नंदिता बनबक होय चाहे किछ करबक होय तो जाब ऑफिस में तो कहा तक घुस हां सही हमरा से मन में का घुस हां तो चुनाव में तू लेबे घुस तो काम करेबे तो लेको घुस ए मतलब चुनाव में के बाद ये मांग हूं दे हां पैसा खर्च करके जीतते तो हो जाएगा काम करा वाला तो कथी तो घर तक घुस लेबे कर तो आ आ मतिया छाप दे तो मार दो हां मार सत बार ना पानी से खाती है हां ए बारी ए नहीं आओ तो आ महिला दाई दीदी मौसी काकी नानी सब के आहा सब के ड्यूटी जमीदार सब में आ हम एमार महिला के पुरुष सब के हमर सब काम छै घर घर में गांव गांव में हम सब चार पांच जाना दादा के अपना नातेदार ससुरार जेठान मौसा काका नाना नानी दीदी बहिन सब के अपना अपनी के फोन करके कह दियो कि ए मेरी छोटी सूर्य छाप आ ना त ए मेरी जे भूल जाब त राम के 14 बरस जन्म के वनवास भेलै आ इहो नेता सब सब के 5 वर्ष वनवास किछ न हेते हेते कथि दे 0 = 1 0 आलू प्ले कर दियो बुझली है हां ते सब आई अपन छाप छाप आ सूर्य छाप म पाक पाक आ गया।